आपको ये गिवन है कि एक्स टी ग्राफ गिवन है। देखो जो एक्स टी ग्राफ है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और इसकी स्लोप क्या देगी आपको? वेलोसिटी। तो इसके अंदर वेलोसिटी 2 सेकंड तक 2 है, कांस्टेंट है, वैसे भी स्लोप स्ट्रेट है तो कांस्टेंट है, उसके बाद ये 0 स्लोप है तो वेलोसिटी 0 हो गई। तो कुछ टाइम के लिए स्पीड 2 है और कुछ टाइम के लिए 0 है, ठीक है यहां तक? तो क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको? निकालना है इंपल्स एट 2 सेकंड। अब 2 सेकंड पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी एकदम चेंज हो रही है 2 से 0, 2 से 0 मतलब 2 से 0 का मतलब रुक गई। तो इंपल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम, लेकिन एक और फॉर्मूला किया इसमें, फोर्स ने गिवन चेंज इन मोमेंटम और क्वेश्चन में मास गिवन है बॉडी का, तो मोमेंटम का चेंज क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0, इनिशियल कितनी है? 2। आंसर आएगा -0.2। इसके यूनिट्स क्या होंगे? फोर्स इनटू टाइम के, फोर्स क्या होता है? न्यूटन। टाइम क्या होता है? सेकंड। नेगेटिव इंपल्स ये शो करता है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि चेंज इन मोमेंटम में फाइनल वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और बॉडी रुक रही है, नेगेटिव इंपल्स है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो चेंज इन मोमेंटम पॉजिटिव है, इंपल्स पॉजिटिव है। इंपल्स पॉजिटिव का मतलब क्या समझते हैं? कि वेलोसिटी बढ़ रही है। इंपल्स नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव में अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ मार्क करना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ ही मार्क करना है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मुझे 21 का आंसर देना। अभी पहले छोटा क्वेश्चन पूछता हूं। बॉडी जिसका मास 2 kg है वो ना ईस्ट की तरफ जा रही है, ऐसे जा रही थी, और जैसे ही जा रही थी किसी ने नॉर्थ की तरफ फोर्स अप्लाई करनी शुरू कर दी, फेंका ऐसा था, ऐसे फोर्स लगनी स्टार्ट। तो बॉडी कैसे, उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? ट्रेजेक्ट्री का नाम बोलो, ऐसे ऐसे नहीं, नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन है क्या? वैसे जाएगी, नॉर्थ ईस्ट जाएगी? ट्रेजेक्ट्री नॉर्थ ईस्ट नहीं होती। शेप क्या है? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट आएगा। ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी? इंक्लाइन, स्ट्रेट इंक्लाइन। कोई पैरा पैरा बोल रहा है, पैरा बोला, आंसर पैरा बोला है। अरे तुमने किया हुआ है, ऐसे की बजाय तुमने ऐसे फोर्स की हुई है, आपने टॉप ऑफ द बिल्डिंग से पत्थर को फेंका सीधा, ग्रेविटी की फोर्स नीचे लग रही है, अब वो आगे भी जा रही है और नीचे भी जा रही है, पैराबोलिक पाथ। इसमें नीचे की जगह ऊपर लग रही है, दिखा तो रहा था मैं आपको साफ, ऐसे कर करके दिखा रहा था, आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है, आपने ऐसे देखा, तो बॉडी ऐसे जा रही है। और कई लोगों ने देख लिया स्ट्रेट है यार, इसमें क्या, ये तो भैया डिस्प्लेसमेंट है, ट्रेजेक्ट्री थोड़ी ना, इसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसी है, ये ऐसे बनेगी, पर उसने हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा 4 सेकंड के बाद, या कितने कितने सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट पूछी? 4 सेकंड के बाद। डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट ही होती है, तो ये निकालना है आपको, स्ट्रेट निकालना स्ट्रेट है, पर एक्चुअल में बॉडी स्ट्रेट नहीं जाएगी। समझ में आ रहा था? तो ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? पैराबोला। ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये स्टेप क्लियर है, राइट? अब इसमें आपको पैरा डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमने बॉडी को स्ट्रेट फेंका था 3 के साथ, तो स्ट्रेट फेंका था तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बॉडी की क्या थी? 0 थी। और फोर्स कहाँ लग रही है? अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन भी होगी, कितनी? फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मास है 2, तो एक्सेलरेशन कितनी है? 2 m/s². तो वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है, एक्स में कोई फोर्स नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी विल रिमेन सेम। 4 सेकंड के बाद अगर मैं आपको यह बता दूं कि बॉडी ने एक्स क्या कवर किया और वाई क्या कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या होगा? x² + x और y निकालने। तो एक्स और वाई निकालने के लिए एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अप्लाई करें x = vt, वेलोसिटी इसमें 3 और टाइम इसमें 4 है, आंसर 12 मिनट। वाई एक्सिस के अंदर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? 0। एक्सेलरेशन है 2, फोर्स अपॉन मास। प्रोजेक्टाइल कितना? y = 0 + ½ at² एक्स आ गया, वाई आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गई, आंसर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको शीट के अंदर सेम क्वेश्चन। जो लोग रिटेन कर पाएंगे वो कहेंगे हो गया, जो नहीं कर पाएंगे वो कहेंगे सर फिर से डाउट बताना।
ये क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में, मूविंग पुली पे। मूविंग पुली का ना इंपॉर्टेंट मार्कर से कुछ ना होता, ये तो आपके लक है। पूरी किताब है, 10 किताबें लिखी है मैंने, प्लस वन प्लस टू में 10 दूंगा पूरी, ये लिखी हुई एक है अभी चल रही पहली, ऐसे 9 और पढ़ी है। कुछ ना करते अगर, मान लो कुछ नहीं करते, मैं कहता हूँ रूल अगर मैं ये मानूँ, इस बुकलेट में ना करते भी 500-700 क्वेश्चन तो होएगा, 500 तो पक्का ही है। 500 करने के बाद या 700, इतना इतनी किताब 2-2.5 महीने करने के बाद यार एक क्वेश्चन तो बनता है, आएगा इस किताब में से एक तो आएगा, तो 10 में से 10 तो आएंगे। ये तो नहीं होगा यार मैं पूरा साल 2 साल पढ़ाता गया कुछ भी ना आया, ये तो कभी नहीं हो सकता। और वैसे आपको बताऊं पूरा पेपर ही आएगा, मिलता जुलता कॉन्सेप्ट इसी में से यूज होने वाला है ये किताब। सही तरीके से अगर आप पढ़ लेना आप, मैं बता रहा हूँ पेपर क्लियर हो जाएगा आपका, रिटेन कर लें, रिटेन भी ना भूल जाएं। तो एक किताब में से एक आएगा, टोटल बने 10, 18 अगर ठीक हो गए मेंस में, 99% है फिजिक्स में, 99.9.5 के आसपास आएगा, 8 तो तुम भी कुछ करोगे, 4+1 में 4+2 कुछ तो तुम पढ़ के आओगे, पेपर आराम से क्लियर होता है अगर स्ट्रैटेजी से सही तरीके से काम किया जाए। और नीट में तो टेंशन ही कोई नहीं, नीट का पेपर तो हो ही सकता आपको ना आता हो, मतलब ही नहीं है, नीट के पेपर उठा के देख लेना, आपको देने भी वाला हूँ मैं। नीट बेसिक पे चलता है, नीट बड़ी कैलकुलेशन में नहीं चलता, बहुत मुश्किल पेपर नहीं डालता, बहुत बेसिक एनसीईआरटी बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन है वैसा डालता है। प्रॉब्लम नीट की है कि वो 1 घंटे में क्वेश्चन 45 देते हैं करने को, और जबरदस्त स्पीड चाहिए उसको करने के लिए, कॉन्सेप्ट एकदम प्रैक्टिस किया हुआ चाहिए, नहीं तो पेपर नहीं कंप्लीट होता, राइट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो वो भी टेस्ट करते हैं, सब न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो न्यूमेरिकल 45 करना है 1 घंटे में या 1 घंटे 10 मिनट में मजाक की बात नहीं है। चलो उसकी प्रैक्टिस अभी शुरू करेंगे हम थोड़े टाइम के बाद। अभी इसके अंदर सपोज ये 2 पुलीज हैं, ये एक पुली और ये एक पुली है, ये पुली फिक्स्ड है, ये पुली मूव कर सकती है, तो मैंने छोड़ दिया इसे। अब ये भार कहाँ है, अब मैंने इसको फोर्स लगाई, कितनी 2 mg फोर्स लगाई मैंने, यहाँ ब्लॉक नहीं लगाया, अपने हाथ से खींचा 2 mg, तो ये रस्सी इधर आई, ये पुली ऊपर आएगी, तो पुली ऊपर आ रही है विद एक्सीलरेशन ऑफ a/2। वो क्यों, क्योंकि ये एक रस्सी है, एक रस्सी में टेंशन की वैल्यू रिमेन सेम, लेकिन यहां पर टेंशन डबल हो जाएगी 2t, अगर यहाँ TNT यहाँ पे 2t विदाउट इसमें 2t आज हमने किया, और जहां टेंशन डबल है वहां एक्सीलरेशन इससे हाफ है, देखो 2t में a/2, t में a, आज किया मूविंग पुली हमने। तो बनाओ इक्वेशन, ये ब्लॉक कहां जाएगा, ऊपर, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2t - mg इज इक्वल टू m इंटू कितना, a/2, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन इसके लिए बनेगी, इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, ये ब्लॉक ये कहां रहे, ब्लॉक नहीं है ये कहां रहे, नीचे, तो इक्वेशन क्या बननी चाहिए, 2 mg फोर्स माइनस टी, 2 mg - t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन, ब्लॉक का मास तो है ही नहीं, जीरो, तो ऐसे केस में टी किसके इक्वल होगा, तो ये ना शॉर्टकट है, जहां ब्लॉक्स के मास नहीं होते ना वहां टेंशन और 2 mg जो फोर्स अप्लाइड है वो सेम होती है हमेशा, तो देखते क्लियर होना चाहिए कि यहां पर टी किसके इक्वल है, 2 mg, तो टी 2 mg के इक्वल है, तो इस टी को उठा के इस इक्वेशन में पुट करके आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे और टेंशन निकालेंगे, आंसर डन। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है।